नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के बदायूं में चूहे की पूंछ में रस्सी बांधकर नाले में छोड़ने वाली युवक के खिलाफ मामला दर्ज। बदायूं शहर के मोहल्ला कल्याण नगर निवासी विकेंद्र गुरुवार को शहर के गांधी ग्राउंड चौराहे के पास से गुजर रहे थे। इस दौरान पनबड़िया मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति चूहे की पूंछ में पत्थर बांधकर नाली में फेंकता हुआ दिखा। विकेंद्र ने नाली में कूदकर चूहे को बमुश्किल निकाला, लेकिन कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। विकेंद्र ने आरोपी का वीडियो बना लिया, जिसमें वह अपना नाम मनोज कुमार बता रहा है। मामले की तहरीर में विकेंद्र ने सदर कोतवाली पुलिस को दी तो पुलिस ने चूहे के शव को सील कर दिया। वही आरोपी को भी हिरासत में ले लिया गया। इधर नौबत चूहे के शव के पोस्टमार्टम की आई तो बदायूं के पशु चिकित्सालय में तैनात स्टाफ में संसाधनों के अभाव पर हमला देते हुए उसका पोस्टमार्टम बरेली IBRI कराने का सुझाव लिखित में दिया। फिलहाल पुलिस मृत चूहे को बरेली ले जाने की तैयारी में। विकेंद्र ने बताया कि पुलिस अभी अपनी प्रक्रिया में लगी हुई है। सादर कोतवाल हरपल सिंह बलियान ने बताया कि पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी चूहे के पोस्टमार्टम में असमर्थता जता रहे हैं। वही वादी का कहना है कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो तो फिलहाल उसके खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की गई है। बदायूं संवाददाता रत्नेश कुमार की रिपोर्ट। कहाँ रहते हो? ईश्वर ने वास्तव में तुम्हें गलत बना दी। मनोज कुमार नाम के आदमी ने इसको बुरी तरह मारा, ईंट बांध के इसको पानी में डुबो दिया।